कसरावत में जिस तरह मनुष्य को जीवन जीने के लिए भोजन जरूरी है, ठीक उसी प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेल भी जरूरी है। खेल के माध्यम से आपस में भाईचारा बढ़ता है। खेल भी शिक्षा का एक अंग है, जिसको लेकर विधानसभा कसरावत के राष्ट्रबंधन फाउंडेशन क्रिकेट टूर्नामेंट के माध्यम से क्रिकेट खेल प्रेमियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिसको लेकर मुख्यालय कसरावत में पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष स्वर्गीय सुरेंद्र गुरु की स्मृति में स्थानीय हाई सेकेंडरी स्कूल के खेल मैदान में मां नर्मदा कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ी इस प्रतियोगिता टूर्नामेंट में शामिल होकर अपनी प्रतिमाएं दिखाएंगे। गौरतलब है कि कसरावत विधानसभा मुख्यालय में मां नर्मदा कप क्रिकेट टूर्नामेंट पहली बार किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर द्वारा दीप प्रज्वलित कर व अतिशाभी जी का भव्य शुभारंभ किया गया, जिसमें क्षेत्र के सबसे ज्यादा अधिक टीमों ने भाग लिया। कार्यक्रम के आयोजक भाजपा नेता जितेंद्र पाटीदार आर ने यह जानकारी दी। निश्चित ही इससे ग्रामीण आंचलों में कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो जिले के साथ साथ प्रदेश का नाम भी रोशन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सही मंच ना मिलने की वजह उनकी प्रतिमा दब जाती है। उनकी प्रतिमाओं को निखरने के लिए खेलों का आयोजन होते रहना चाहिए। उन्होंने क्षेत्र की जनता से इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा से ज्यादा उपस्थित होने की अपील की, जिससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़े और खेलों को बढ़ावा मिल सके। इस मां नर्मदा कप में व्यवस्था के रूप में लगे हुए सभी कार्यकर्ता भाई पंकज भाई पाटीदार, लल्ली पाटीदार, पवन पाटीदार, सुमित भाई पाटीदार, काना कुशवाहा, अर्जुन भाई, अनिल भाई पाटीदार, दीपक दीपू डॉक्टर और भी बहुत सारे कार्यकर्ता, यशवंत भाई, हमारे गणेश भाई, हमारे अवधेश भाई, अशोक भाई पाटीदार, राजू भाई, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता जो इस आयोजन में लगे हैं। आज का ये आयोजन पूर्व नगर परिषद के हमारे अध्यक्ष रहे और मेरे परम मित्र रहे भाई सुरेंद्र गुरु जी की स्मृति में आयोजित किया जा रहा है। वो भी एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे और इस कसरावत नगर के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने इस कसरावत नगर के विकास के लिए बहुत सारे अनुकरणीय काम किए हैं। दुर्घटनावश वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके एक स्मृति स्वरूप ये आज हम सब मित्र मंडली ने ये मां नर्मदा कप के माध्यम से उनकी स्मृति में आज क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की है। और इस क्रिकेट प्रतियोगिता में कसरावत विधानसभा के प्रत्येक गांव से टीम भाग लेगी। आज इस प्रतियोगिता का शुभारंभ है। हम प्रत्येक टीम को उनकी स्मृति में शील दे रहे हैं, उनको टी शर्ट दे रहे हैं और हारने वाली टीम को भी शील देंगे और जीतने वाली टीम को 51,151 रुपए प्रथम पुरस्कार और 31,121 रुपए द्वितीय पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। आज के इस अवसर पर सभी यहां पर उपस्थित अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार। आप सभी क्रिकेट प्रेमी यहाँ पर प्रतिदिन आए और कसरावत विधानसभा के सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करें और क्रिकेट का आनंद लें। धन्यवाद। बहुत बहुत ये जो टूर्नामेंट है रात्रि कालीन नाम मां नर्मदा के नाम से कप का आयोजन किया गया है और रात्रि कालीन टूर्नामेंट में मैंने सुना है कि 100 से अधिक टीमों ने कसरावत विधानसभा की भाग लिया है। कोई भी स्पर्धा, कोई भी आयोजन, कोई भी खेल हार जीत का फैसला कराता है, पर जीतने वाली टीम जितनी खुशी मनाती है उससे ज्यादा खुशी हारने वाले ने मनाना चाहिए, क्योंकि जीवन में कोई सी चीज रोकती है या टोकती है या हम हारते हैं तो कुछ नया सिखा के जाती है, और जब हम सीखते हैं तो अगला पड़ाव बहुत आसानी से पाते हैं। तो जितना खेल के अंतर्गत हम देखते हैं कि खेल की सुविधाएं जितने टूर्नामेंट होते हैं, इसमें
जितना स्वस्थ रहने की बात आती है उतना मानसिक शांति भी मिलती है, क्योंकि हम एकाग्र होकर उस आयोजन को, उस काम को करने लगते हैं। अभी कहीं जितने लोग जहाँ पर खड़े होंगे, किसी का दिमाग मोबाइल पर होगा, किसी का अभी घर में होगा, किसी का अभी बाजार में होगा, किसी का अपने दोस्त के साथ क्या हो रहा होगा, हर व्यक्ति अभी कहीं ना कहीं होगा। और जैसे ये टूर्नामेंट शुरू होगा तो हर बाल की तरफ हर व्यक्ति की नजर होगी कि इस बाल पर क्या होने वाला है। ये भी पुरुषों को सिखाता है कि आप जब किसी चीज को देखे और ध्यान से सोचे तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो आपने जिस प्रकार के जो आज क्रिकेट स्पर्धा के माध्यम से इस युवाओं को एक नया मंच दिया है, एक नया ग्राउंड दिया है, और इस ग्राउंड के माध्यम से आने वाले समय में यहाँ का कोई खिलाड़ी राज्य खेले, कोई नेशनल खेले, इस तरह के खिलाड़ियों की जो अपनी कार्यशैली काम है वो क्रिकेट चला है। कसरावत तहसील से अबरार पठान की रिपोर्ट।